पर मैंने तुझे पहले भी कहा था कि आज पासन उठाना है। सो रही है तो मैंने कहा बोला नशा करके पड़ी है बच्ची है सोएगी। धीरे धीरे धीरे। ओ सॉरी सॉरी। अच्छा एक काम कर उसकी पहली नहीं तीसरी नहीं एक से पांच के बीच में चुन चार हाँ चौथी उंगली काट दे। क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है। अरे नहीं अच्छा नहीं तो पांच ही काट दे। क्यों काटनी है? मैंने 5 लाख रुपए नहीं दे रहा, 3 महीने का टाइम मांग रहा था, मैंने 5 महीने दिए, उसके बाद भी फोन नहीं उठाया, घर गया तो ताला लगा था, फिर पता चला अगली फ्लाइट पकड़ के निकल रहा है, एयरपोर्ट भी धर दे बच्चे इसकी माँ का विजय माल्या, पांचों काट दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धीरे धीरे। अरे के क्या कह रहे हो, धीरे काटेगा कसाई बन जा। बाप बनोगे तब पूछूंगा, इसको तो बहुत टाइम है अभी। ऐसा आपको लगता है? देखा है मैंने इसको लड़कियों के आगे पीछे घूमते, वो डिस्कवरी चैनल पे नहीं देखते थे बंदर बंदरिया को और कुत्ते कुत्तिया को पीछे से सूंघते हैं, वैसे ये भी लगा रहता है ताकि मौका मिल जाए। पीछे से सूंघते हैं मतलब? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बेटा वो हिंट देते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, दोनों को सूंघ के पता चल जाता है। मेरी वाली को तो शायद जुकाम है। कुत्तों का कितना सही है ना बेटा, पीछे से आए और पीछे से ही चले गए। नहीं। हिंदी की कविता में एक सवाल आया, उन्हें जाना है तो जाने दो, रोकने का क्या फायदा, रोक लिया तो फिर से रो देंगे हम। इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये लिखता है, अर्थात कवि अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं ड मरा। मेरे दिल ते ने कोई काबू नहीं। फिर तो ये भी बता दो कि मच्छर के काटने से डेंगू क्यों होता है, एड्स क्यों नहीं होता? क्योंकि मच्छर डंक मारता है, गांड नहीं। गपदा पदा पदा पगा पदा सा 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 गपदा पदा पदा पगा पदा सा सा।